नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और एक नए सेशन की तैयारी कर चुके होंगे। तो आइए, इस सेशन में हम लोग कुछ ऐसे शब्दों की चर्चा करेंगे जिनका संबंध बुढ़ापे से है, वृद्ध लोगों से है, वरिष्ठ लोगों से है, ओल्ड एज से है, ओल्ड मैन से है, है ना। तो इससे जोड़ने के लिए आपको मुझे थोड़ा सा एक शब्द की ओर जाना पड़ेगा। अगर आप लगातार इन सेशंस को देख रहे हैं, वर्ल्ड पावर मेड इजी का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर अगर आप सभी सेशंस को देखें, तो जब मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा था तो एक शब्द आया था उस समय, जी ई आर आई ए टी आर आई सी आई ए एन, जेरियाट्रिशियन। शायद आपको याद आ जाए, ना याद आए तो जाकर के उस सेशन को देखिए, या फिर से मैं इसको बताने ही जा रहा हूं, आप यहीं पे समझ लीजिए, ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। जेरियाट्रिशियन, और ये बताया गया था तब कि जेरियाट्रिशियन बुजुर्गों का डॉक्टर है, बच्चों का डॉक्टर है। अगर आप इसको तोड़ें तो इसमें पहला शब्द है, सब ग्रीक रूट के वर्ड हैं, ग्रीक भाषा में जी ई आर ए एस, जेरॉस का मतलब होता है ओल्ड एज, वृद्धावस्था, ठीक। और इसमें दूसरा शब्द है आई ए टी आर ई आई ए, आइट्रिया मीन्स ट्रीटमेंट अथवा हीलिंग, इस वर्ड से भी आप अच्छे से परिचित हैं। और तीसरा शब्द इसमें क्या है, तो ईशन, ईशन का मतलब एक्सपर्ट, वह जो जानता है, एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, किसका, इलाज का, हीलिंग का, ट्रीटमेंट का, किसके, ओल्ड एज, बुढ़ापे की समस्याओं का। दिस वर्ड इज टेलिंग अबाउट इट्स सेल्फ, ये खुद बता रहा है। देखिए कि जो बूढ़े लोगों का, वृद्धावस्था का इलाज करता है। अब ये सवाल उठता है कि वृद्धावस्था की समस्या का इलाज का मतलब, हम जैसे जैसे बूढ़े होते हैं तो हमारी स्मृतियां कमजोर होती हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगने या न लगने की समस्या होती है, एक तरह का डर उत्पन्न होता है। कुछ लोग तो होते हैं उनको बुढ़ापे से ही डर लगता है, बूढ़े होने से डरते हैं, शरीर कमजोर होता है, सहारे की आवश्यकता पड़ती है, कुछ लोग अकेलेपन से घबरा जाते हैं, कहीं मान लीजिए कोई चला गया, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ यौन समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बहुत से लोगों की उनकी समस्याएं होती हैं, तो उस समय उनकी आर्थिक शारीरिक समस्याएं, भावनात्मक समस्याओं का इलाज करने के लिए जो डॉक्टर साहब होते हैं उन्हें जेरियाट्रिशियन कहा जाता है। जेरॉस, आइट्रिया, ईशन, ये चर्चा पहले हुई थी, एक बार फिर समय दोहरा दिया। फिर ये भी बात है, तो जेरियाट्रिशियन जो होगा इसकी प्रैक्टिस क्या होगी, तो जेरियाट्रिक्स, ये देखिए, और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, जेरियाट्रिक। ये पुराना शब्द है, इस वर्ड से आप लोग परिचित हैं, आपका पुराना साथी है, जेरियाट्रिशियन, जेरियाट्रिक्स और जेरियाट्रिक, जेरॉस से बना है। इसी जेरॉस वर्ड का, ये जो ग्रीक भाषा का शब्द जेरॉस है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या कंटेस्ट करके देख लीजिएगा, मैं इसको वाइप आउट करने जा रहा हूं, ठीक है। जो जेरॉस है, इस जेरॉस शब्द का जो मूल है, जेरॉस मीन्स ओल्ड एज, इसका जो मूल है वो है जेरॉन। ग्रीक भाषा का एक और शब्द है जेरॉन, जेरॉस एंड जेरॉन। तो ये जो जेरॉस है, रूट वर्ड जेरॉस, जी ए आर ए एस, ये निकला कहां से, तो जी ई आर ओ एन, जेरॉन से। और जेरॉन का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति। ध्यान से देखिएगा, जेरॉस का मतलब क्या था, ओल्ड एज, और जेरॉन का मतलब ओल्ड मैन। अब इस जेरॉन से भी अंग्रेजी में कुछ शब्द बने, कुछ प्रैक्टिशनर्स बने, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिशनर्स। दिस प्रैक्टिशनर्स, जेरियाट्रिशियन इज अ डॉक्टर, ही ट्रीट्स मेडिकली द प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज, एंड जेरॉन मीन्स ओल्ड मैन। Then the word comes out from it is
GERONTOLOGIST जेरोंटोलॉजिस्ट, जेरोंटोलॉजिस्ट. दिस इज अ प्रैक्टिसनर, इट इज नॉट अ डॉक्टर. लाइक इट इज लाइक साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट. जेरियाट्रिशियन इज अ डॉक्टर, ही हेल्स मेडिकली द प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज. बट जेरोंटोलॉजिस्ट इज अ प्रैक्टिसनर, ही प्रैक्टिसेज, ही ऑल्सो हेल्स, सजेस्ट द प्रॉब्लम ऑफ सेक्सुअल प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम एट द ओल्ड एज. बूढ़े लोगों में जो यौन समस्याएं होती हैं, दे फील सम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, समटाइम्स सम मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, सम फिजिकल प्रॉब्लम्स, देन दे नीड सम हेल्प, सम सजेशंस, सम एडवाइस फ्रॉम समबडी. द पर्सन हु सजेस्ट देम, हु एडवाइजेज देम, हु हेल्प्स देम इन सच कंडीशंस इज अ जेरोंटोलॉजिस्ट. इस्ट मतलब वह जो, इसमें देख लीजिए, तोड़ दीजिए, तो इसमें पहला शब्द है जिरोन. जिरोन मीन्स ओल्ड मैन. दूसरा शब्द है लॉगस. लॉगस मीन्स साइंस अथवा स्टडी. और इसमें तीसरा शब्द है इस्ट. इस्ट मतलब आप जान चुके हैं, ही अथवा सी, हु, वह जो. वह जो विज्ञान जानता है, जो अध्ययन करता है, किसका? ओल्ड मैन का, बुढ़ापे, बूढ़े लोगों का, बुढ़ापे की अवस्था का, उसे हम जेरोंटोलॉजिस्ट कहते हैं. इससे जो इसकी जो प्रैक्टिस होगी क्या कहेगी? GEROONTOLOGY जेरोंटोलॉजी. और इससे एडजेक्टिव क्या बनेगा? तो जेरोंटोलॉजिकल. ये देखिए, ये इसका एडजेक्टिव है, जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजिस्ट, जेरोंटोलॉजिकल. तो ये एक प्रैक्टिसनर और निकल के आया. अब आपके सामने दोनों है, जेरियाट्रिशियन भी है, जेरोंटोलॉजिस्ट भी है. एक डॉक्टर है जो मेडिकली हील करता है, और एक प्रैक्टिसनर है जो मेंटली हील करता है, समस्याओं को आपके सामने सुन करके उसका निदान देता है, उसे जेरोंटोलॉजिस्ट कहते हैं. ये दोनों के दोनों कौन है? बूढ़ों के डॉक्टर हैं. एक बार एग्जाम में आ गया था कि बुजुर्गों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, और ऑप्शन में जेरियाट्रिशियन के बजाय जेरोंटोलॉजिस्ट दे दिया था. हो सकता है कभी कभी जेरोंटोलॉजिस्ट की जगह जेरियाट्रिशियन दे दे, तो आप जेरियाट्रिशियन, जेरोंटोलॉजिस्ट, जेरोंटोलॉजी, जेरियाट्रिक, जेरियाट्रिक्स, जेरोंटोलॉजिकल, इन शब्दों में कंफ्यूज मत होइएगा. कहीं कोई लोचा नहीं होना चाहिए. बहुत ही शांति से चीज़ों को समझ करके क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर आंसर को टिक करिएगा. और सिंपल सी बात है कि थोड़ा भाषा पर ध्यान ले लीजिएगा. एक डॉक्टर है, एक प्रैक्टिशनर है. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. इस सेशन में मैं कुछ नए वर्ड्स और जोड़ूंगा तो वो श्रृंखला थोड़ी लंबी हो जाएगी. जैसे आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, तो ग्रीक भाषा के शब्द हैं तो क्या लैटिन भाषा में भी ओल्ड एज के लिए, बुढ़ापे के लिए कोई वर्ड है? जवाब है हाँ, सेनेक्स. और उस सेनेक्स पे ढेर सारे वर्ड्स बनते हैं. चूँकि एक कोशिश है कि बहुत लंबे लंबे डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के सेशंस ना हो, छोटे छोटे सेशंस हो, इसलिए मैं अपनी बात को संक्षिप्त में रखने की कोशिश करता हूँ. तो इस सेशन में हमने ग्रीक रूट पे बनने वाले कुछ शब्दों की बात की. नेक्स्ट सेशन में हम लोग लैटिन भाषा पे बनने वाले शब्दों की बात करेंगे, बुढ़ापे संबंधी शब्दों की बात करेंगे. एक सूचना मैं आपको जरूर देना चाहता हूँ कि PET का एग्ज़ाम का डेट आया है. बहुत से बच्चों ने मैसेज किया कि सर जी कुछ PET पे सेशन करिए, कुछ बताइए. तो कुल 5 क्वेश्चंस ही इंग्लिश में आने वाले हैं PET से संबंधित, ठीक है. लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक होता है जब 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की बात होती है, तो खतरनाक होता है क्योंकि पूरे सिलेबस में से 5 क्वेश्चन. लेकिन मुझे लगता है कि उसका ट्रेंड वही होगा, वही स्पेलिंग, वही फिलिंग द ब्लैंक्स, वही सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस पहचानना. तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले जो भी 20-25 दिन बचे हैं उसमें मैं कुछ प्रैक्टिस का सेशन. अब पढ़ाने पे जाएगा आदमी तो बहुत जो है इतनी सारी चीज़ें हैं, 5 क्वेश्चन पूछना है, तो मैं एक प्रैक्टिस सेशन कुछ 5-5, 10-10 क्वेश्चंस के हर एरिया से, कुछ नाउन से, कुछ वर्ब से, कुछ फिल इन द ब्लैंक से, कुछ करेक्शन से, कुछ स्पेलिंग से, ऐसा करके नेक्स्ट
दौर में जब मैं आपके सामने आऊँगा तो ये वादा है कि आने वाले एग्जाम तक मैं 5 या 6 सेशन कोशिश करूँगा कि आपको PET पर दूँ, जहाँ आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर पाएँ, अंग्रेजी में जो 5 प्रश्न आएंगे, जो 5 क्वेश्चंस आएंगे, उनको करने का एक नज़रिया आपको मिल पाए। इसके लिए आपके सामने ज़रूर मैं कुछ रखूँगा, ये आपसे प्रॉमिस है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग लैटिन वर्ड की बात करेंगे जो बुढ़ापे संबंधित है। ठीक है, थैंक यू।